पंजाब में पुलिस ने दो नशा तस्करों को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। राज्य के फिरोजपुर जिले में पुलिस ने पहले तस्करों की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद जब तस्कर गाड़ी दौड़ाने लगे तब पुलिस अपनी जीप से बंदूक लेकर निकली और दौड़कर तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। ये पूरी घटना किसी फिल्म से कम नहीं लग रही थी। पंजाब पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद तस्करों को दबोच लिया। कार में दो नशा तस्कर सवार थे जिनसे 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस द्वारा तस्करों को पकड़ने का पूरा सीन बाजार में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिरोजपुर की मेन मार्केट के बंसी गेट इलाके में सिटी पुलिस थाने की टीम ने एक कार को रोकने का इशारा किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस को देखकर सवारों ने स्पीड बढ़ा ली और बीच बाजार ही भागने लगे। थाना सिटी के एसएचओ मोहित धवन ने भी सरकारी गाड़ी पीछे लगा ली। उन्होंने तस्करों की कार को पीछे से टक्कर मारी। इस दौरान आसपास से जा रही कई गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई जिसके कारण तस्करों की गाड़ी बीच में फंस गई। हालांकि आरोपियों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए सभी गाड़ियों को साइड किया और फरार हो लिए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने बाई तरफ कार पर फायरिंग की लेकिन फिर भी बेखौफ आरोपी भागते रहे। हालांकि पुलिस टीम ने भी ठान लिया था कि इनको शिकंजे में लेना जरूर है। उन्होंने तस्करों का तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि पकड़ नहीं लिया जाए। पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के बाद कार की अच्छी तरह तलाशी ली जिसमें उन्हें 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसएचओ मोहित धवन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज के साथ।